Hey friends, I am Richa and I welcome you once again to Parchum Competition Classes. अभी जो हमने UN का वीडियो लास्ट अपलोड किया था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, लीग ऑफ नेशंस के बारे में और UN जनरल असेंबली के बारे में हमने ढंग से पढ़ लिया था। अब जो रिमेनिंग मेन ऑर्गन्स हैं उनको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे और एट द एंड हम एग्जाम रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डील करेंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास असेंबली। अब आते हैं सेकेंड मेन ऑर्गन पे जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, हिंदी में क्या कहेंगे, सुरक्षा परिषद। और ये इनका देखो चेंबर है जहां सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, ठीक है? ओके, अब पढ़ लेते हैं सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। मेन क्या काम होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल है तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है? शांति और सुरक्षा कायम रखने का। टेक्स लीड इन डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द पीस एंड एक्ट ऑफ और द एक्ट ऑफ अग्रेशन। कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां शांति को थ्रेट है, ओके, पीस को थ्रेट है, तो इस तरह की सिचुएशंस को डिटरमाइन करता है, या कहीं अग्रेशन यानी कि रोष जैसी सिचुएशन बन रही है, कहीं वॉर हो सकता है, कहीं अशांति हो सकती है, ऐसी सिचुएशंस को देखती है और उसको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाती है, ठीक है? न्यूयॉर्क में ही है। सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है टॉप मोस्ट पर्सन। सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है, और वो हर महीने चेंज होता है रोटेशन के बेसिस पे, ठीक है? रोटेशन होगा हर महीने, अलग अलग पर्सन हेड बनेगा यानी प्रेसिडेंट बनेगा, और ये रोटेशन कब होता है, हर महीने होता है, ओके? टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 193 UN मेंबर्स में से टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कितने होते हैं, 15, इंपॉर्टेंट है ये सारे नंबर्स, ठीक है, 15। अब इस 15 में से भी 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, यानी ये 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो 10 हैं बाकी के वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में, ठीक है? परमानेंट मेंबर्स अब आपको जानना होगा ना कौन है ये 5 परमानेंट मेंबर्स, उससे पहले देख लो कि हर मेंबर के पास एक वोट होता है। जब भी कोई सिक्योरिटी रिलेटेड आपको आपस में डेलिब्रेशन करना है यानी कोई बातचीत करनी है, डिबेट करनी है, किसी डिसीजन पे पहुंचना है तो वोटिंग करोगे, हर मेंबर एक वोट डाल सकता है। टोटल 15 वोट है, 5 मेन मेंबर्स के परमानेंट मेंबर्स के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के। अब ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना, फ्रांस, रशिया, रशियन फेडरेशन, ठीक है, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, UK, US, रशियन फेडरेशन, चाइना, फ्रांस एंड बस हो गए ना, खत्म, एंड क्या बस, ठीक है। सो फ्रांस एंड चाइना, रशियन किंगडम, UK एंड US, ये 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और इनके पास वीटो पावर होती है। क्या है ये वीटो पावर, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, चलो उससे पहले देख लो। अब मानो कि ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 15 देश हो गए सिक्योरिटी काउंसिल में। अब मुद्दा किसी ऐसे देश का है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ही नहीं है, तो क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आ सकता है या नहीं आ सकता, है ना, एक मुद्दे की बात, ठीक है, कि भाई मेरा देश है, मैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं हूं पर मेरे ही देश की चर्चा चल रही है, मेरे देश पे डिसीजन होना है, तो मैं उसका हिस्सा बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। तो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि मेंबर स्टेट जो कि UN जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है, उन 193 देशों में से ही आपको एक होना पड़ेगा आज की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपना मत भी रख सकते हो, आप लोगों से मतभेद भी रख सकते हो, लेकिन आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है, आप अपनी बात समझाओ उनको पूरा परसुएड करो, कन्विंस करने की कोशिश करो, लेकिन आप वोट नहीं दे सकते हो अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं हो, ठीक है, बस। तो अगर आपके देश से जुड़ी हुई कोई बात डिस्कस हो रही है तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब आते हैं वीटो पावर पे, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने नेगेटिव थोड़ा सा क्या बोलेंगे इस चीज़ को, थोड़ा सा नेगेटिव एंगल दे रखा है सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर है ना उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या है, पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स टू वीटो यानी टू रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वो वीटो पावर है कि ये मिलकर के उसको कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं साहब ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा,
ठीक है, और इसी के चलते ये जो अनकंडीशनल वीटो पावर है ये, ठीक है, इस अनकंडीशनल वीटो पावर के चलते ही जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो रूल, ये जो फीचर है वीटो पावर का, ये सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर माना जाता है पूरे यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशन में बाकी सब कुछ सही लगता है पूरी दुनिया को, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ है जो कि अनडेमोक्रेटिक लगती है, जो कि यू नो सबके हिसाब से या सबको साथ में लेके चलने वाली बात नहीं लगती है, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, व्हाट इज़ द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ यूएन, और उसमें आपको चार ऑप्शन दे सकते हैं, तो वीटो पावर पिक कर लीजिएगा अगर ऑप्शन में मिल जाए कभी, ठीक है। चलो, सो ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल। अब आते हैं थर्ड ऑर्गन पे, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी आर्थिक व सामाजिक परिषद, और ये है आर्थिक सामाजिक परिषद का चेंबर, जहां पे सारी डेलिब्रेशन और डिस्कशंस होते हैं। क्या काम करेगा भाई आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक भी बोलते हैं, ECOSOC, ठीक है। क्या काम करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमी, सोशल और एक और एंगल है एनवायरमेंट, है ना, इन तीनों पे काम करता है बेसिकली। तो पढ़ लेते हैं, यूएन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो कि रिफ्लेक्ट करता है, डिबेट करता है, इनोवेटिव थिंकिंग करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है, सतत डेवलपमेंट, हाँ, उस पे काम करता है, और तीन डायमेंशंस के ऊपर ये काम करता है बेसिकली, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट। तो कौन से तीन मेन डायमेंशंस हैं इकोसॉक के, ये आपसे पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है। और एक और मेन काम में रिस्पॉन्सिबल होता है कि यूएन के जितने भी कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स होते हैं, अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, समिट्स होते रहते हैं, उनको फॉलोअप भी यही करता है इकोसॉक, ठीक है। फॉलोअप यानी कितना काम हुआ, किसी से कोऑर्डिनेट करना है, कोलैबोरेट करना है, तो ये सारा जो भी काम होगा ये देखेंगे। टोटल मेंबर्स कितने हैं इकोसॉक में, 54, ठीक है, और जो कि 3 साल की ओवरलैपिंग टर्म के लिए, यानी पहले की टर्म खत्म हो उससे पहले दूसरे की चालू हो जाए, सो ओवरलैपिंग टर्म्स के लिए 3 साल, है ना, जो भी 54 मेंबर्स हैं वो 3 साल तक इसके मेंबर बन सकते हैं, न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और करंट प्रेसिडेंट, इसके भी हाईएस्ट पावर कौन रखता है, या हाईएस्ट पोजीशन या डेजिग्नेशन कौन सी है, प्रेसिडेंट, और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है, हर एक्सीलेंसी मोना जूल ऑफ नॉर्वे, ठीक है, सो मोना जी ऑफ नॉर्वे इसकी करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इकोसॉक सिंपल सा है, कुछ नहीं और इसमें जानने का। नेक्स्ट आते हैं द ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, ओके, ये इसका चेंबर है। आई रियली लव द चेंबर्स दैट दे हैव मेड, ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये फंक्शनल नहीं है, मोटे मोटे तौर पे तो नहीं है, कभी कोई नीड होगी तो ये जरूर मीटिंग करेंगे, पर अब इनके एनुअल मीटिंग्स वगैरह नहीं होती हैं, तो ध्यान से समझो ये क्या है। बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज, ठीक है, ट्रस्ट टेरिटरीज को न्यास क्षेत्र भी बोलते हैं, एंड टू प्रमोट देयर एडवांसमेंट टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, ठीक है, 11 ऐसी टेरिटरीज थी जो जिनकी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, खुद की सरकार नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उन 11 टेरिटरीज को इंटरनेशनल सुपरविजन देने के लिए कि आप उनको गाइडेंस दो कि वो किस तरह से अपनी खुद की सरकार ला सकते हैं, किस तरह से इंडिपेंडेंट स्टेटस ले सकते हैं, किसी में मिल जाएं या खुद अपनी सरकार बना लें, इस यू नो ऑब्जेक्टिव के साथ में ट्रस्टीशिप काउंसिल एग्जिस्टेंस में आया था, ओके और इनका ऑब्जेक्टिव था कि इनको जितने भी अभी जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज हैं उनको सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ पहुंचा दिया जाए, उनकी खुद की सरकार हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ट्रस्ट टेरिटरी क्या है, वैसे मैंने समझा दिया, ये एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, टेरिटरी यानी रीजन बेसिकली, राइट, कंट्री हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो एक ऐसा रीजन जिसकी खुद की सरकार नहीं है, सेल्फ गवर्निंग नहीं है वो, और उसको ट्रस्टीशिप काउंसिल के एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर डाल दिया गया, बेसिकली ट्रस्टीशिप के अंडर में ले लिया गया कि ठीक है हम आपको गाइड करेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग आपको संभालेगा, एक विंग आपको संभालेगा, और हम आपको लीड करेंगे टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। जो एम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का या सिस्टम का वो फुलफिल हो गया, जो 11 ट्रस्टीशिप ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो सारी की सारी सेल्फ गवर्नेंस की ओर पहुंच गई, कब, 1994 में ही पहुंच गई, 1994, है ना,
ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट मिल गई उनको या इंडिपेंडेंस मिल गई, या तो वो अलग स्टेट्स बन गए या सेपरेट कंट्रीज बन गए, या फिर वो किसी नेबरिंग कंट्री के अंदर उसी का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो किसी और का हिस्सा बन गए तो उनको अपनी गवर्नमेंट मिल गई अलग से, या तो उन्होंने अपनी कंट्री बना ली। तो 1994 में जितनी भी 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो सेल्फ गवर्न हो चुकी थी। तो इस जो ये जो काउंसिल है इसका पर्पस पूरा हो गया। अब क्या करोगे आप? तो इन्होंने 1 नवंबर 1994 को अपने ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अ मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पलाव, अब ये इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टेरिटरी जिसको कि सेल्फ गवर्नेंस का स्टेटस मिल गया वो थी पलाव। ठीक है, और 1994 में अक्टूबर में इसको अपना गवर्नेंस मिला है, और नवंबर 1, 1994 को सारे टेरिटोरियल ऑपरेशंस, सारे ऑपरेशंस ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल क्लोज कर दिए गए। एक रेजोल्यूशन पास ज़रूर किया गया उससे पहले ही मई में, 25 मई को, कि अब हम हर साल रेगुलर जैसे हम मीटिंग्स करते थे, साल में एक मीटिंग होनी चाहिए, वो अब हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन बनती है तो हम वापस से मिलेंगे। तो ऐसा नहीं डिसॉल्व हो गया हो, अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए, ये बॉडी अभी भी एग्जिस्टेंस में है। ऐसा नहीं है ट्रस्टीशिप काउंसिल नाम की कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, करती है, लेकिन अभी हर साल नहीं मिलते हैं, इन्होंने अपने रूल्स अमेंड कर लिए हैं। 25 मई 1994 को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि अब हम अपने रूल्स, अपने प्रोसीजर चेंज करते हैं, एनुअल मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब कोई ओकेजन डिमांड करता होगा। ठीक है, तो 25 मई को रेजोल्यूशन पास किया, 1 नवंबर को ऑपरेशंस क्लोज कर दिया। और लास्ट कौन सी ट्रस्ट टेरिटरी थी जिसको सेल्फ गवर्नेंस मिली? पलाव। ठीक है, अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पलाव कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? सारे कंट्री कैपिटल्स याद करवा चुकी हूँ मैं, नहीं किए हूँ अभी तक तो जाइए प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर पलाव कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट मेन ऑर्गन पे आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, और ये इतनी खूबसूरत सी जो बिल्डिंग है, दिस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है, कहाँ है अभी देखते, पहले देख लेते हैं क्या करती क्या है। सो इट इज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, यानी कि एक मुख्य न्यायिक अंग है, इंटरनेशनल है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अंग है जो कि इंटरनेशनल लॉ के तहत काम करता है। आपने सुना होगा जैसे जो निर्भया केस भी था उसमें जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फांसी की सज़ा सुना दी, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्लाई कर रहे थे, लास्ट मोमेंट तक वो ट्राई कर रहे थे कि वहाँ से कुछ जवाब आ जाए। ठीक है, दिस इज़ दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो रोल क्या है? टू सेटल लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स या कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जितने भी केसेस आएंगे, ठीक है, डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट से जुड़े हुए, वो इनको डील करेगा किसके तहत? इंटरनेशनल लॉ के तहत, और एडवाइजरी या ओपिनियन देता है लीगल क्वेश्चंस के ऊपर। अगर किसी भी कंट्री का कोई भी कोर्ट इसको अप्रोच करता है कि अगर ये केस होगा तो व्हाट शुड बी योर ओपिनियन, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, तो ये अपनी एडवाइस देता है। ठीक है, ओके। कंपोज्ड ऑफ कितने जजेस या कितने लोगों से बना हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो 15 जजेस हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूएन। कौन इलेक्ट करेगा? यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये दोनों अपॉइंट करते हैं 15 जजेस 9 साल की टेन्योर के लिए। अब ये है कहाँ पे? पीस पैलेस इन हाग, नेदरलैंड्स। तो ये है नेदरलैंड्स में, ठीक है, पीस पैलेस हेग या हाग, जो भी आप प्रोनाउंस करें, नेदरलैंड्स में। ठीक है, न्यूयॉर्क में नहीं है, पर न्यूयॉर्क नेदरलैंड्स दोनों एन से ही स्टार्ट हो रहे हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन नॉट लोकेटेड, द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, अकेला प्रिंसिपल ऑर्गन यूएन का जो कि मुख्य अंग यूएन का जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो आंसर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं आईसीजे की। पूरे यूएन की तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी, ध्यान है, वेरी गुड। यहाँ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आईसीजे काम करता है, एक है इंग्लिश, एक है फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच, EF में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है। अब ये भी किसी न किसी बॉडी का सक्सेसर रहा है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशंस के बाद उसी थीम पे काम करना शुरू किया, इसी तरह आईसीजे भी से पहले भी एक कोर्ट हुआ करता था,
उसको कहते थे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ, विच वॉज एस्टैब्लिश बाय द लीग ऑफ नेशंस इन 1920. लीग ऑफ नेशंस ने भी एक बॉडी बनाई होगी जस्टिस से रिलेटेड, तो उन्होंने बनाया था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1920 में बनाया था, किसने, लीग ऑफ नेशंस ने. और यूनाइटेड नेशंस का कौन सा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. डन, कोई प्रॉब्लम. कब बनाइए, कब बना होगा, सोचो सोचो, 45 में जब यूनाइटेड नेशंस बना, शाबाश, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अब लास्ट, सेक्रेटेरिएट या सचिवालय. सेक्रेटेरिएट है जैसे कि किसी भी ऑफिस में सेक्रेटेरिएट होता है, PMO ऑफिस में भी एक सेक्रेटेरिएट होगा, स्कूल कॉलेजेस में सेक्रेटेरिएट होता है, तो यूनाइटेड नेशंस का भी सेक्रेटेरिएट या सचिवालय है जहाँ से सारे पेपर वर्क्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम चलेगा. सो क्या है ये सेक्रेटेरिएट में कौन कौन होता है, एक होता है जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, एंड टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल UN स्टाफ मेंबर्स, और UN के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में, ठीक है, टेन्स एंड ऑफ थाउजेंड यानी लाखों की संख्या में, वो यहाँ से काम करते हैं, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, लीडर और जितने भी UN स्टाफ मेंबर्स हैं. ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग डिपार्टमेंटल लाइन्स, अभी जो पूरा सेक्रेटेरिएट है ये डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करता है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है HR डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, इसी तरह से ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा, इसी तरह से यहाँ पे भी डिपार्टमेंट लाइन पे पूरा डिवीजन हो रखा है और हर एक डिपार्टमेंट अपना डिस्टिंक्ट एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है. अब ये डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द एक्शन. अब अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है, और ये जो जनरल सेक्रेटरी है ये कैसे अपॉइंट होता है, कौन करेगा अपॉइंट बता दो, ठीक है, जनरल असेंबली ही करेगी और 5 साल के टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, और ये रिन्यूएबल टर्म है यानी 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा एक व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी बन सकता है अगर जनरल असेंबली के सारे प्रोसेसेस से ओके होकर के गुजर जाए, ठीक है. तो कौन अपॉइंट करता है जनरल सेक्रेटरी को, जनरल असेंबली, ठीक है. चलिए, सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट. इस पूरे सेक्रेटेरिएट के हेड भी हैं और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, और ये ऑफिस भी न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है. ऑल राइट, सो ये हो गया जनरल सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटेरिएट के बारे में. अब ये कौन है व्यक्ति, ही इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ओके, सेक्रेटेरिएट के आप सेक्रेटरी जनरल बोलो या यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बोलो, एक ही बात है. सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल नहीं बोले जाते हैं, उसके तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बोले जाते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सॉरी, ठीक है. तो ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN करंट. नाम क्या है, एंटोनियो ग्यूटेरेस. एंटोनियो ग्यूटेरेस, शक्ल देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में शक्ल तो नहीं दिखाई जाएगी ना पूछी जाएगी, बट ईजी रहता है याद करने के लिए. ही इज़ दी 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. कौन से नंबर के हैं, 9वें नंबर के हैं. और कब से इन्होंने ऑफिस संभाला है, 1 जनवरी 2017 से, ठीक है, 2017 पहली जनवरी से ऑफिस संभाल चुके हैं. और सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले ये किस पोस्ट पे थे, तो UN के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज इस पोस्ट पे काम कर चुके थे, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज 2005 से लेके 2015 तक 10 साल इसमें काम किया, और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बने. और उससे भी पहले ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल, ठीक है, 1995 से 2002 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्टुगल के. सो पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद UN के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, और अब सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, ठीक है. सो ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशंस और उसके मेन ऑर्गन्स यानी कि प्रमुख अंग के बारे में पूरी स्टडी. जितना भी इंपॉर्टेंट था फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने डील कर लिया है. अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं. कुछ एक ऐसे होंगे जो हमने कंटेंट में लिए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कंटेंट में नहीं आए होंगे, ठीक है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा इन चारों में से प्रमुख अंग नहीं है UN का, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और ये चौथा कौन सा है, ये नहीं है. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख अंग नहीं है, ठीक है, एसोसिएटेड तो है. जब मैं आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगी जो कि जुड़ी हुई हैं UN से,
अलग अलग लेवल पे तब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये मेन ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कितने साल के लिए या टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है? अभी अभी पढ़ा है हमने, 3, 4, 5 या 6, 3, 6, 4 या 5, 5 years, ठीक है। और ये 5 years और वापस से रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 3, 4, 6, 3, 5, 6 या 4, 5, वेरी गुड। इन विच ईयर वॉज द UN अवार्डेड विद नोबेल पीस प्राइज? अब ये देख लो, यूनाइटेड नेशंस को या उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को कई बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को, मतलब अभी तक तो उसकी जुड़ी हुई संस्थाओं को मिलता रहा है, अभी रिसेंटली भी मिला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को खुद नोबेल प्राइज कब मिला? नोबेल पीस प्राइज कौन से साल में मिला? ये सवाल है 75, 99, 2001 या 2006, एंड द राइट आंसर इज 2001। 2001 में यूनाइटेड नेशंस को खुद को नोबेल प्राइज मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वॉज? यूनाइटेड नेशन के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? आंसर इज, अच्छा पहले ऑप्शंस बता देती हूँ, सॉरी, विजयलक्ष्मी पंडित, ट्राइग ली डॉर्सकोल्ड या यू टैंथ? आंसर इज बी, ट्राइग ली, ट्राइबली, एंड ये रहे वो पर्सन जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, नॉर्वे से बिलोंग करते थे, उनका जो टर्म था 1946 से 1952। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द UN's फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? ठीक है, उस टाइम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई UN का सेक्रेटरी जनरल बन जाए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज ब्लैक और व्हाइट वाला कॉन्सेप्ट चलता ही रहता था। सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पहले सेक्रेटरी जनरल कौन बने? कॉफी अनान या मिस्टर घाली या मिस्टर क्यूलर या बानकी मून? ओके, एंड द आंसर इज मिस्टर कॉफी अनान। ओके, एंड ही इज मिस्टर अनान, ही वॉज फ्रॉम घाना और इनका टर्म रहा 1997 से 2006 तक। ठीक है, सो इन्होंने तब तक सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट संभाला। हु वॉज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN टू हैव डाइड वाइल इन ऑफिस? ठीक है, अकेले ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो कि यूनाइटेड नेशंस के काम पे ही थे, अपने ऑफिशियल वर्क पे ही थे, एंड ही डाइड। ओके, सो आंसर इज, मैं सीधे बता देती हूँ, वैसे आप चाहो तो मिस्टर तांत, मिस्टर ली या वाल्डीम, एंड द आंसर इज डैग हैमरस्कोल्ड। ओके, सो डैग हैमरस्कोल्ड, ही इज द वन, हैंडसम डैशिंग गाय, राइट, नो मोर। सो स्वीडन के थे, 1961 में ही डाइड जब वो पीस मिशन के लिए कॉन्गो जा रहे थे, and during that time he passed away. Okay, next question, which organ of the UN has suspended its operation in 1994? batao batao 1994 mein UN ke kaun se part ne, organ ne apne operation suspend kar diye? trusteeship, pata hai humko pehle se. chaliye next question, general assembly of UN meets in a regular session, kab milta hai UN ka general assembly? saal mein ek baar, do baar, दो साल में एक बार या ओकेजनली? जल्दी बताइए, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन साल में एक बार मिलता है, शाबाश, ठीक है, कब मिलता है? सितंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली? जनरल असेंबली के पहली भारतीय या पहले भारतीय प्रेसिडेंट कौन बने? नटवर सिंह जी, वी के कृष्ण मेनन, विजयलक्ष्मी पंडित जी या फिर रोमेश भंडारी? एंड द आंसर इज विजय लक्ष्मी पंडित जी, ठीक है, तो शी इज विजय लक्ष्मी पंडित। सितंबर 53 से 54 में तक इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली का कार्यभार संभाला था। एंड आई थिंक द लास्ट स्लाइड नाउ, हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन टर्म किसने कॉइन की थी? आंसर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ही इज द पर्सन, USA के 32nd यानी 32वें प्रेसिडेंट थे। एंड हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कितने जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? जल्दी बताओ, 9, 15, कितने? 15, शाबाश, और 9 तो टेन्योर है, 9 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सो विथ दिस वी आर डन विथ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स
मेन ऑर्गन्स. आई रियली होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सब कुछ याद हो गया होगा. एंड जल्दी ही मिलेंगे यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई जो बाकी संस्थाएं हैं उनको पढ़ने के लिए, कौन सी हैं, कब बनी, क्या काम करती हैं, हेड ऑफिसेस कहाँ हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो कौन हैं, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं. सो अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर, हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंड पढ़ते रहो लेकिन हैप्पी रह करके. ठीक है, बाय.